नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 7th of June 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभोदी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट इस पूरे जो पीडीएफ होने वाला है लेसन का, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में दिया हुआ रहेगा, आप जाकर वहां पर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आज का यहाँ पे न्यूज देख लेते हैं। हम लोग बात करेंगे इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर के बारे में। नाउ ये क्यों न्यूज में था, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। एक एग्जीबिशन लॉन्च किया गया था फोनिक सेटलमेंट में टू कमोमरेट द 120th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी का इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर। जब अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने देखा तो होगा दैट न्यूज़पेपर्स वेरियस न्यूज़पेपर्स किस किस के द्वारा लिखे गए। तो यस, यू प्रोबेबली हैव रेड अबाउट इट, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर। लेट्स टॉक अबाउट अ बिट अबाउट दिस न्यूज़पेपर कॉल्ड इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर। तो इसको स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा कब, 1903 में। ध्यान दीजिएगा 1903, अभी कितना हो रहा है 2023, 120 साल, इसीलिए तो कमोमरेट किया जा रहा है 120th एनिवर्सरी, है ना। सो यस, इसका स्टार्ट किया गया था 1903 में ड्यूरिंग दिस टाइम जब वो साउथ अफ्रीका में एज अ यंग लॉयर सर्व कर रहे थे। इनफैक्ट इट सर्व्ड एज अ मास कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। वहां पर इस इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर एज अ मास कम्युनिकेशन मैकेनिज्म सर्व किया था, जिससे इंडियन नेटल कांग्रेस जो क्या फाइट कर रही थी अगेंस्ट द ऑप्रेसिव लॉ ऑफ द देन गवर्नमेंट ओवर देयर, राइट। इनफैक्ट न्यूज़पेपर को पब्लिश किया जाता था गुजराती में, हिंदी में, तमिल और इंग्लिश वर्जन इसका होता था। नाउ ये तो डिस्कस किया ही, बट साथ ही साथ कुछ कुछ अदर भी पब्लिकेशंस थे, इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस। प्रोबेबली ये आपके यू नो हिस्ट्री पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ट्राई टू रिमेंबर दीज ऑल थिंग्स। जैसे हरिजन जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर था, वैसे ही था यंग इंडिया जो कि एक वीकली जर्नल था, सिमिलरली नवजीवन जो कि एक गुजराती वीकली न्यूज़पेपर था, और स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो कि गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी था, वैसे ही सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका जो क्या एक बुक था जिसका क्रॉनिकल्स आई मीन महात्मा गांधी का एक्सपीरियंस था एंड एक्सपेरिमेंट्स विद इट्स नॉन वायलेंट यू नो रेजिस्टेंस एक्टिविटीज। सिमिलरली एक हिंद स्वराज जिसको हम लोग इंडियन होम रूल भी कहते थे, ये एक बुक था जिसने एक्सप्लोर किया था गांधी जी के विजन फॉर इंडिया का इंडिपेंडेंस और सेल्फ गवर्नेंस, राइट। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ हम लोग बात करेंगे शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। नाउ ये क्यों न्यूज में था, देखो ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि इस पावर प्रोजेक्ट को लेकर कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहा है। झगड़ा इन द सेंस क्या, काइंड ऑफ मनमुटाव है दो देश, दो स्टेट्स के बीच में। एक स्टेट तो है हिमाचल प्रदेश और दूसरा स्टेट है पंजाब में। एक्चुअली ये जो आपका प्रोजेक्ट है ना, दैट इज शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये है शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो क्या प्रेजेंटली आपका सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में। देखो इसका लोकेशन है हिमाचल प्रदेश, बट इसको 99 ईयर्स का लीज में दिया गया था पंजाब को। अभी 2024 में, मार्च 2024 में ये जो आपके लीज है 99 ईयर का, ये खत्म होने वाला है। इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट सोच रही है दैट फिर से इसको रिन्यू करे, बट यहां पर हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है दैट देखो हम लोग इस रिन्यूअल को नहीं एक्सटेंड करवाएंगे और हम जो इनका गवर्नेंस खुद ही अपने हाथ में रखेंगे। बट वहीं पर पंजाब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अरे भाई 99 ईयर से तो हमारा था, तो हम इसके लिए यू नो अगर हो सके तो हम लोग लीगल एक्शंस भी लेंगे हिमाचल प्रदेश के अगेंस्ट। समझ रहे हो बात, तो ये जस्ट न्यूज में था विच यू नीड टू रिमेंबर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नया विकास प्रोजेक्ट, राइट। ये क्या है, देखो नया विकास पोर्टल इसको एस्टैब्लिश किया गया था जिससे मॉनिटर किया जा सके इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, दैट इज नया विकास। सो इसके फीचर क्या है, ये बेसिकली एक पोर्टल है जो क्या स्टेक होल्डर्स वेरियस स्टेक होल्डर्स को एक सीमलेस एक्सेस प्रोवाइड करती है वेरियस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड। नाउ किस टाइप के इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूं, दोज इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू द फंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और अप्रूवल, इन सारे एरियाज में बेसिकली ये काम किया जा रहा है। और अगर इसके फीचर्स देख लीजिएगा तो यस, ये ट्रांसपेरेंसी को तो इनहांस करता ही है, बट साथ ही साथ यूजर फ्रेंडली लॉगिन सिस्टम है इसमें, फैसिलिटी
क्रिएट करता है सबमिशन ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, यही नहीं मॉनिटर करता है फंड रिलीज एंड यूटिलाइजेशन, जियो टैगिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड अंडर द स्कीम। तो ये न्याय जो पोर्टल है ना, देखो न्याय विकास पोर्टल, ये पोर्टल ही है जहां पे ये सारे इंफॉर्मेशन वेदर इट बी रिलेटेड टू दीज स्कीम्स का फंडिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग अप्रूवल ए टू जेड सब कुछ दिया जाएगा, राइट। सो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पेट कोक के बारे में, क्यों न्यूज में, ध्यान से दिखेगा इस ये वाला न्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेट कोक अपने आप में इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव के लिए भी। नाउ न्यूज में इसलिए था कि गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया है, ध्यान से दीजिएगा, गवर्नमेंट ने परमिट किया मतलब कि अभी तक पेनकोट बैप था। अच्छा पहले तो बात कर लेते किसने परमिट किया है, गवर्नमेंट ने परमिट किया है इंपोर्ट ऑफ नीडल पेटकोक, ध्यान दीजिएगा आई एम हेयर टॉकिंग अबाउट नीडल पेटकोक, किसके लिए, फॉर मेकिंग ग्रेफाइट एंड मटेरियल फॉर लिथियम आयन बैटरीज के लिए, ग्रेफाइट एनोड मटेरियल को बनाने के लिए बेसिकली हम ये एनोड मटेरियल को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको परमिट किया। तो सवाल होता है इससे पहले क्या बैन था, जी हाँ बैन था, देखो क्लियरली लिखा भी हुआ इंपोर्ट ऑफ पेटको फॉर फ्यूअल पर्पस वॉज कंप्लीटली बैंड बाई इंडिया। तो सवाल होता है पेटकोक है क्या, लेट्स टॉक अबाउट पेटकोक। फर्स्ट पेटकोक जिसको हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम कोक, उसका शॉर्ट फॉर्म है पेटको, पेट्रोलियम कोक, पेटको, पेट्रोलियम कोक, पेटको, ठीक है। सो यह एक कार्बन रिच सॉलिड मटीरियल है जो कि आपको दिख भी रहा है, विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फाइनल क्रैकिंग प्रोसेस, है ना, जो कि एक थर्मो बेस्ड केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस है जो कि स्प्लिट करता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ऑफ पेट्रोलियम इनटू शॉर्टर चेन एंड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट इंडिया जो है ना वो दुनिया का लार्जेस्ट कंज्यूमर है पेटकोक का। सो यस इंडिया इंपोर्ट करती है ओवर हाफ ऑफ इट्स एनुअल पेटकोक कंजम्पशन मेनली फ्रॉम द कौन से रीजन, यूएसए, राइट। नाउ हम लोग तो नॉर्मल पेटकोक के बारे में डिस्कस किए बट निडल पेटकोक क्या है भैया, देखो निडल पेटकोक जो है ये डिफर करती है फ्रॉम द रेगुलर पेट्रोलियम कोक इन अ यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो, काफी ज्यादा यूनिक है। नाउ इसको हम लोग निडल कोक भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसका निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब ये रिफाइनिंग प्रोसेस होता है ना तब इसका निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या इसका फायदा पहुंचाता है बहुत सारा, पता है क्या क्या फायदा है। सबसे पहला तो है फायदा प्रोडक्शन ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट की जो इलेक्ट्रोड्स होती है ना उसको यूज किया जाता है इन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस फॉर स्टील को बनाने के लिए, और साथ ही साथ ये प्रोवाइड करती है एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हाई स्ट्रेंथ मेकिंग, जिसके कारण ये आइडियल रहता है फॉर हाई क्वालिटी इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ अब हम लोग बात करेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेटकोक, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेटकोक के बारे में अगर बात करें, यस पेटकोक कंबशन जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है और एयर पोल्यूटेंट एमिट करता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर हमें देखने को मिलता है। वहीं पर पेटकोक हैज हाई कार्बन कंटेंट और लो एनर्जी वैल्यू एज कंपेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल्स, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे बायो एक्यूमुलेशन के बारे में। एक स्टडी किया गया था जिससे पाया गया That झेलम रिवर में जो है ना माइक्रोप्लास्टिक्स की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है एंड इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल साइट से जो है इस रिवर में सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, दैट इज वाई द थिंग्स आर एब्सोल्युटली इंक्रीजिंग। नाउ सवाल होता है हमारे रिलेटेड बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन होता तो होता क्या है, देखो बायो एक्यूमुलेशन मतलब समय के साथ साथ एक ऑर्गेनिज्म बायो सॉरी एक मिनट पहले तो बता दे रहा हूं मैं दैट ये जो बायो एक्यूमुलेशन डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूं, एक टर्म आता है, दो टर्म आता है, एक होता है बायो एक्यूमुलेशन, एक होता है बायो मैग्निफिकेशन, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आप अपने एनवायरमेंट सेक्शन में ये टर्म्स पढ़िएगा ना पॉल्यूशन के रिलेटेड, तब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में यस बीज आल्सो मेक द पार्ट ऑफ इट, जिसमें आपको बायो एक्यूमुलेशन पढ़ना पड़ेगा, बायो मैग्निफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। तो अभी जो यहाँ पे बायो एक्यूमुलेशन दिया हुआ है ना इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बोला जा रहा है अगर झेलम नदी में माइक्रोप्लास्टिक्स बहुत ज्यादा है तो इससे क्या होगा, बायो एक्यूमुलेशन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ना सवाल होता है बायो एक्यूमुलेशन होता क्या है, देखो ये काइंड ऑफ एक पोल्यूशन है जो क्या फैलते रहता है इन अ स्पीशीज, जैसे ये मछली छोटी है एक समय के बाद आएगा ना 4-5 साल के बाद जब ये मछली बड़ी, जब भी मछली बड़ी होगी होगी ना बड़ी, अब क्या होता है छोटे से ये जो पोल्यूटेड चीज खाया जा रही है तो इसके शरीर में धीरे धीरे पोल्यूटेंट का लेवल बढ़े जा रहा है
तो जब ही एक ही ऑर्गेनिज्म में समय के साथ साथ उसके शरीर में पोल्यूटेंट्स के लेवल बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, दैट इज व्हाट दैट इज बायो एक्यूमुलेशन। बट वहीं पर दूसरा टर्म क्या है, बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन मतलब क्या हुआ, बायो मैग्निफिकेशन मतलब ये एक फूड चेन या फिर फूड वेब के अलोंग हम लोग को देखने को मिलता है दैट देयर इज ट्रांसफर ऑफ पोल्यूटेंट मटेरियल फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। जैसे सोचो ये एक यू नो प्राइमरी कंज्यूमर है, राइट, तो इसको ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है और ये टॉप प्रेडेटर है, समझ रहे हो बात। तो प्राइमरी कंज्यूमर ने से फॉर एग्जाम्पल कुछ यू नो पोल्यूटेंट चीज खा ली होगी, राइट, तो ऐसे बहुत सारे प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खा रहा है, ये छोटी मछली, ये बहुत सारी छोटी मछली को ये कौन खा रहा है, ये सील खा रहा है, इसको कौन खा रहा है, ये पोलर बियर खा रहा है, समझो। मतलब अलोंग द फूड वेब और फूड चेन देयर इज कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ पोल्यूटेंट मटीरियल दैट इज टेकिंग प्लेस। सो दिस कैन बी सेड टू बी द एग्जाम्पल ऑफ बायो मैग्निफिकेशन। ऑलराइट, जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट, दीज पॉइंट आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर ऑफ कोर्स एग्जाम एज वेल, राइट। सो अभी तक हम लोगों ने जो जो चीजें डिस्कस किया एक बार एक इसका यू नो जस्ट देख लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले बात किया था इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर के बारे में जिसका 128 एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1903 में, कहां पर, साउथ अफ्रीका में, और ये तब के समय मास कम्युनिकेशन का एक मैकेनिज्म था जिसके तहत उन्होंने फाइट भी किया था अगेंस्ट ऑपरेसिव रिजीम और इसको पब्लिश किया गया था चार भाषाओं में जिसमें गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश था, राइट। वैसे ही हम लोगों ने डिफरेंट अदर नोटेबल पब्लिकेशंस के बारे में भी बात की जो कि गांधी जी के द्वारा ही किया गया था, जैसे हरिजन जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर था, यंग इंडिया जो कि एक वीकली जर्नल था, नवजीवन जो कि एक यू नो गुजराती वीकली न्यूज़पेपर था, वैसे ही स्टोरी ऑफ माय लाइफ, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्याग्रह ऑफ साउथ अफ्रीका, हिंद स्वराज या फिर हम जिसको इंडियन होम रूल भी बोलते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने बात किया शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में जो कि एक डिस्प्यूट कहीं ना कहीं बन गया है बिटवीन टू स्टेट्स दैट इज हिमाचल प्रदेश पंजाब, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने पंजाब को इसको 99 ईयर्स के लीज में दिया था, अभी 99 ईयर्स के लीज मार्च 2024 को खत्म होने वाला है और अभी हिमाचल प्रदेश ने क्लियरली बोल दिया दैट हम लोग इस लीज को एक्सटेंड नहीं करेंगे भाई, ये इसका जो मतलब जो भी गवर्नेंस है वो अब से हम लोग करेंगे, बट पंजाब बोल रही है अगर हम लोग को नहीं दिया गया तो हम इसके खिलाफ मतलब हिमाचल प्रदेश के खिलाफ लीगल एक्शंस भी ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, न्याय विकास पोर्टल जो क्या एस्टेब्लिश किया गया था जिसे मॉनिटर किया जा सके इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, राइट, और वही चीज लिखा हुआ दैट इसमें एक पोर्टल रहेगा जहां पे फंडिंग वो स्कीम के रिलेटेड फंडिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग अप्रूवल सबका प्रॉपर लिस्ट एक जगह ही दिया रहेगा। नेक्स्ट, हम लोगों ने बात किया पेट कोक के बारे में, नगे पेट कोक ऐसे तो बैन है, किस लिए बैन है, बैन इसलिए है जिससे फ्यूल पर्पस के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, बट अभी सरकार ने परमिट कर दिया इसका इंपोर्ट, किसका, निडल पेट पेटकोक का, किस लिए, फॉर मेकिंग ग्रेफाइट के एनोड्स, किसके लिए, लिथियम आयन आयन बैटरीज के लिए, समझ लो। तो सवाल होता है ये पेटकोक जो है ये है क्या, ये कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल है जिसको डिराइव किया गया है भाई जो पेट्रोलियम फाइन क्रैकिंग प्रोसेस के समय, राइट। सो ऑफ कोर्स बाकी तो ये जस्ट फैक्चुअल बात है, अभी अगर देख लीजिएगा यस वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट कंज्यूमर है पेटकोक इंडिया, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट करती है और हाफ ऑफ इट्स एनुअल जो पेटकोक का कंजम्पशन होता है ना वो यूएसए से हम लोग यही करते थे, राइट। नीडल पेटकोक के बारे में अगर बात करेंगे तो नीडल पेटकोक वो मतलब इसकी यूनिक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके कारण कुछ कुछ इसके पास एडवांटेजेस ऑलरेडी होती है, जैसे ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के तहत काम करता है और ऑफकोर्स मतलब इसके से ही ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को हम लोग बनाते हैं इन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस फॉर स्टील मेकिंग, यही नहीं, ये प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हाई स्ट्रेंथ जिससे इसको एक आइडियल माना जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी इलेक्ट्रोड्स, राइट। सो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेट्रोल पेटकोक भी हम लोगों ने देखा था, तो उसके बारे में भी आप जस्ट यू कैन गो थ्रू इट एंड यस इफ यू डोंट वांट टू टेक नोट्स आउट ऑफ इट देन व्हाट यू कैन डू इज लाइक आप नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को डायरेक्टली क्लिक करके इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट में बात किया बायोअक्यूमुलेशन के बारे में, राइट, बायोअक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन जो क्या एक यू नो पॉल्यूशन अगर आप
अपने इन्वायरमेंट एस्पेक्ट देखिएगा, यस इन्वायरमेंट में पोल्यूशन रिलेटेड यूनिट से ये आपको जरूर से करना पड़ेगा। सो यस वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स एज वेल। आशा करता हूं दैट ये चीज आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो यस यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर friends and other aspirants as well. So yeah, this was all about the discussion for today's class, guys. Hope this is beneficial for you. Milte hain aap sab ke saath next class mein. Till then, bye bye, take care. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.